जिस संविधान को निर्माण करने के लिए पूरी जनता ने अपनी ताकत लगाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और इन सब में से जिस डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान लिखने का काम किया, एक नया भारत का निर्माण करने का एक सपना देखा, वो सपना का चकाचूर आज का सरकार कर रही है, उसका जाहिर तरफ से उनका निषेध करते हैं, उनको उनका पीछे करते हैं। आज देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, आर्थिक विषमता है, दो सबसे बड़े उद्योगपतियों के हाथ में पूरा देश है, बच्चे लोगों को स्कूल नहीं है, औरतों के लिए टॉयलेट नहीं है, ये सब सवाल आर्थिक होने के बावजूद आज की सरकार सिर्फ मजहब और जाति के व्यवस्था पर इस देश के लोगों में एक बंटवारा करने की साजिश गए 8 साल से 10 साल से कर रही है। उनका एक ही कहना है, मकसद है कि किसी भी हालत में इस देश की राजनीतिक सत्ता जो है, जो शासन है, जो निर्णय प्रक्रिया है, वो हमारे हाथ में होनी चाहिए। उसके लिए वो संविधान पर हमला करते हैं, पार्लियामेंट पर हमला करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करते हैं, इलेक्शन कमीशन पर हमला करते हैं, प्रेस के फ्रीडम पर हमला करते हैं, किसी भी आदमी को, औरत को, सोशल एक्टिविस्ट को किसी भी कारण देने के बजाय उनको जेल में डाल सकते हैं। इसी तरह से आज की सरकार, मोदी सरकार, इस देश का प्रजातंत्र मिटाने चाहते हैं और उनको कभी भी हम कामयाब होने नहीं देंगे। यह आज हम संकल्प करते हैं कि ये देश की आजादी मिटाने का हम कभी भी उनको कामयाब होने नहीं देंगे। आप देखिए कि मैं आपको डायरेक्ट सवाल करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि इस देश में कम से कम 18 करोड़ मुस्लिम रहते हैं। गए 8-10 साल में मुस्लिम और हिंदू में बिगाड़ करने के सिवाय इस सरकार ने मेरा कोई भी काम नहीं किया। हाँ, एक काम किया कि नवंबर 2016 में 500 रुपए और 1000 रुपए का नोट निकाल कर लोगों को भिखार कर दिया, लोगों को बेरोजगार कर दिया, लोगों को भिखारी कर दिया। इतना बड़ा गैर जिम्मेदार निर्णय कि 84% 85% 500 और 1000 के नोट चलन में से निकालकर 14.5 लाख करोड़ रुपए चलन में थे, उसमें से 13 लाख करोड़ मोदी जी ने एक रात में 12 बजे डिक्लेयर कर दिया है कि ये हम निकाल रहे हैं। और लोग आप पूछते नहीं है कि यदि उस तरीके को 8 नवंबर 1916 तक लोग 500 रुपए में ब्लैक मनी रखते थे, आज लोगों के पास 500 रुपए, आज लोग ब्लैक मनी नहीं रखते। इतना बड़ा बेड़ी दुनिया ने निर्णय देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं लिया। अब इलेक्शन कमीशन का देखते हैं, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों का इलेक्शन शेड्यूल एक दिन डिक्लेयर करना चाहिए था, 2012 में 2017 में और 2022 में हिमाचल प्रदेश और गुजरात का इलेक्शन का शेड्यूल एक ही दिन डिक्लेयर करना चाहिए था, लेकिन पहला हिमाचल प्रदेश का किया और उसके 8 दिन के बाद गुजरात का इलेक्शन शुरू किया। क्यों किया आपको मालूम है? क्योंकि ये 8 दिन में मोदी जी का खुद का स्टेट गुजरात होने के कारण उनको इतनी बहुत बड़ी सुविधाएं डिक्लेयर की है कि उसका फायदा वो लोगों को मिलना चाहिए। मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मोदी जी, आप सिर्फ गुजरात के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आप इस देश के 36 जो स्टेट्स है और 140 करोड़ आबादी है उनके आप प्राइम मिनिस्टर है।
आप सिर्फ आपकी पार्टी का जो सरकार जो है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे कर्नाटक हो, आप उसके प्राइम मिनिस्टर आप सिर्फ नहीं है, ये देश के प्राइम मिनिस्टर है। और अंत में आपको एक मैं बताना चाहता हूँ, जब जब कभी कार्लाइल ने कहा था, एक बहुत बड़ा फिलोसोफर हो गए, जब जब कभी अन्याय का साम्राज्य होता है, अन्याय न्याय नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर, नेहरू, गांधी न्याय चाहते थे, आजादी चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे, सामाजिक अभिसरण चाहते थे, पुरुष और स्त्री दोनों की समानता चाहते थे। लेकिन आज जिस तरह का माहौल है, उस तरह का माहौल अन्याय के सिवाय किसी को भी किसी न्याय देने की व्यवस्था नहीं है। और कार्लाइल ने ये कहा था कि अन्याय का साम्राज्य होता है तो अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना, रास्ते पर आना, ये एक ही काम नहीं बचता है। और जब तक ये अन्याय का राज नहीं मिलेगा, संविधान पर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने तैयार किया, उस संविधान खत्म करने का इरादा जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हम ये कामयाब होंगे। क्योंकि जब जनता आती है तो राज्यकर्ता लोगों को सिंहासन खाली करना पड़ता है, एक ही आपको सिंहासन खाली करना पड़ेगा, उसके लिए हम आपके पर हमेशा आते रहेंगे। मैं सबको आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, सबको प्रणाम।